सारे देश में लॉकडाउन लगवा कर कोरोना ने सबको घर पर बैठा दिया, लेकिन इस अव्यस्तता की स्थिति में भी हर कोई अपने काम में व्यस्त है। मेरे घर का भी कुछ यही हाल है। चलिए देखते हैं आखिर सब कहाँ व्यस्त है। लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरा पेट भी बाहर नहीं आ सकता। एक दो इंच तो कम करना है। कम ऑन मैडम, पुश योरसेल्फ। 5 6 7 मस्त बनाया यार, मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है। क्या बनाया है? मेरा फोटो लेके अब इंस्टा पे अपलोड करती हूँ। अगर मैं इसी तरह उस आधा घंटा योग करूंगी तो एक कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय हो बाबा रामदेव की। क्या क्या दिन लिखा हुआ कर दूंगा? क्या इसी दिन के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई की थी? इससे तो अच्छा मैं ऑफिस में था। फटाफट हाथ चलाओ। क्या ठाट थे इन राजा महाराजाओं के, एक ही जन्म में तीन तीन रानियां। आहा, वैरायटी वैरायटी। और इधर सातों जन्मों के लिए बस एक ही फिक्स। वैसे तो द्रौपदी के भी 5-5 पति थे, कहो तो और 4 ढूंढ लूं, वैरायटी हो जाएगी। बेचारा निशांत, खैर ये तो थी एक आम जिंदगी, लेकिन हर घर में एक आलसी व्यक्ति जरूर होता है, और यही व्यक्ति बना देता है इस आम जिंदगी को मिंटा जिंदगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे घर के उस आलसी व्यक्ति से। बोर हो गया यार, क्या करूं? आज कोई पोकर भी नहीं खेल रहा मेरे साथ, क्या करूं? मौसा जी ये देखो। क्या हुआ बेटा, इसका प्लेन बनाना है अभी लो। अरे लेकिन क्या बेटा, अभी बना देता हूँ। ये रहा पुष्प विमान, और ये ऐसे एक्सरसाइज भी नहीं करने दे रहा है। कलयुग में बाणों की वर्षा किसने की हम पर? आप फिर सो गए? हम घायल हैं देवी। नाटक बंद करो, अमित ने झाड़ू लगा दी है, पोछा बाकी है, चलो खड़े हो जाओ। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बाई जाएगी छुट्टी पे, आदमी पोछा लगाएगा। हे भगवान, क्या होगा इस घर का? चलिए हम ही देख लेते हैं आखिर प्रत्यक्ष ने इस कागज पर बनाया क्या है। सल्यूट टू कोरोना फाइटर्स। वाओ प्रत्यक्ष, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि हम उन्हें तो याद करना भूल ही गए जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी हमारी लाइफ इतनी इजी बनाई हुई है। सल्यूट टू कोरोना फाइटर्स, दिल से थैंक यू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन